दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि BTS के ऊपर हाइव लेवल की बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसा कि हर K-pop आइडल के ऊपर होती ही हैं। जिसमें से एक रूल ये भी है कि वो किसी भी फीमेल आइडल के साथ घूम नहीं सकते हैं, या फिर उनसे ओपनली बात नहीं कर सकते, या फिर किसी भी फीमेल या लड़की के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न K-pop की रेस्ट्रिक्शंस है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहुत ही सारी आर्मीज अब तक नहीं जानती हैं कि BTS के ऊपर इस रेस्ट्रिक्शन को लगाने की सबसे बड़ी वजह खुद आर्मीज हैं या फिर उनके फैंस ही हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि BTS ज़्यादातर फीमेल आइडल से बात नहीं करते हैं, या फिर फीमेल से भी उनका इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है। दोस्तों, इसका बहुत ही बड़ा रीज़न है BTS के टॉक्सिक फैंस, जो उनके फैंडम में थोड़े बहुत मौजूद हैं, जिसकी वजह से BTS काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और उनकी आर्मीज़ का नेम भी ख़राब होता है। तो दोस्तों, एक्चुअली पहले बहुत ही बार देखा गया है कि BTS जब भी किसी फीमेल आर्मी से, या फिर किसी भी फीमेल आइडल से, या फिर किसी भी फीमेल से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमेशा बहुत ही सारे स्कैंडल्स बन जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि BTS पहले फीमेल लोगों से बात नहीं करते थे। दोस्तों, डेब्यू से पहले BTS के बहुत ही सारे मेंबर्स की गर्लफ्रेंड्स भी रह चुकी हैं, साथ ही साथ उनकी मेकअप आर्टिस्ट भी ज़्यादातर फीमेल ही होती हैं, उनके बैकग्राउंड डांसर्स और कोरियोग्राफर्स भी फीमेल होते हैं। लेकिन इसकी वजह से बहुत ही सारी चीज़ें हो रही थी जहाँ पर फीमेल्स को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा था। दोस्तों, जैसा कि एक बार जंगकुक को लेकर एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल हुआ था, जहाँ पर उनकी एक फ्रेंड थी जो कि टैटू आर्टिस्ट थी, लेकिन जब उनको जंगकुक के साथ डेटिंग रूमर में पकड़ा गया, तो उनके सोशल मीडिया पर जाकर बहुत ही सारे टॉक्सिक फैंस ने बहुत ही उल्टी सीधे बातें लिखी थी। दोस्तों, यही नहीं बल्कि कुछ ही वक्त पहले जब वी ने गलती से जेनी को फॉलो कर दिया था, तब जेनी के सोशल मीडिया पर जाकर बहुत ही सारी टॉक्सिक फैंस ने बहुत ही गंदी गंदी बातें लिखी थी और जेनी को बहुत ही बुरे बुरे कमेंट्स भी किए थे। दोस्तों, इससे पहले भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है, जैसे कि एक बार जिमिन जब एक बार में कुछ लड़कियों के साथ देखे गए थे, तो उन लड़की के सोशल मीडिया पर जाकर भी फैंस ने बहुत ही बुरी बुरी बातें लिखी थी। इतनी बुरी बातें लिखी थी कि उन लोगों को अपना सोशल मीडिया तक बंद करना पड़ गया था। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बिग हिट एजेंसी BTS के ऊपर काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, और जिसकी वजह से BTS खुद भी बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करते हैं खुद को किसी भी फीमेल से बात करने के लिए, या फिर किसी भी फीमेल के साथ घूमने के लिए। हालांकि दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा इशू है जिसको फैंस को समझना चाहिए, क्योंकि BTS भी इंसान हैं, उनके भी मेल फ्रेंड्स हैं, तो उनके बहुत ही सारे फीमेल फ्रेंड्स भी हैं। लेकिन दोस्तों, K-pop में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर कोई भी अपने अपोजिट जेंडर के साथ थोड़ा सा भी फ्रेंडली होता है, तो उनको शिप कर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ शिप ही नहीं किया जाता, लेकिन सामने वाले इंसान को लेकर बहुत ही बुरी बुरी बातें भी बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से आइडल्स खुद को रेस्ट्रिक्ट करते हैं ज़्यादा दोस्ती करने से, या फिर सामने वाले इंसान के साथ घूमने से। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या सोचना है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए BTS के साथ, और उनको भी पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए, या फिर नहीं? साथ ही साथ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।